इसे मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? YouTube बंद करो, प्रोफेशनल है भाई, धंधा पानी है ना। YouTube तुम्हारे बच्चे को KG1 से 12 ले जाने वाला है, ना तुमको तुम्हारी दुकान चलाने वाला है। एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं सीखोगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरा खुद से वादा है, ये मेरा अपने टीचर से वादा है। हेलो CPU कंपटीशन, हेलो यस सर। कौन कौन करना चाहता है? मैं। आपको विनर को दिया जाएगा मेरी तरफ से एक माइक्रोस्कोप। हेलो किसको चाहिए माइक्रोस्कोप? आर्यन से या SMD से रैम को हीट कर देते हैं। 98% माइक्रोन का रैम रहता है। माइक्रोन का रैम तो वैसे ही लो टेम्परेचर का रैम है। अब जैसे ही रैम लगाया तो वो सेट 175-225 तक जाकर हाई बूट लेकर वापस आ जाता है। अब रैम ही खत्म। तो कहने का मतलब है हमें यूनिक वे से रैम को क्लीन करना और उसको फ्लिप करना आना चाहिए। कौन कौन सीखेगा? मैं देवदत्त अग्रवाल, 28 अक्टूबर बैच, दिवाली बैच। तो मेरे स्टूडेंट के साथ जोरदार ताली हो जाए पहले के साथ। और ये ताली हमारे घर वालों के लिए है सिर्फ। हेलो yes, ये ताली हमारे डियर के लिए है जो हम पर भरोसा करते हैं। और ये ताली हम अपने लिए बजा रहे हैं क्योंकि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो एक कंप्लीट टेक्नीशियन और एक कंप्लीट एक बिजनेसमैन बन के निकलेंगे। हेलो yes, जोरदार ताली बजा दो। इन्हें मुझे दिवाली दी है। मैंने पहले कहा था कि सर आप मुझे दिवाली दो, मैं आपको आपकी लाइफ बना के दूंगा। मैंने इनसे वादा किया है ये पहले दिन 5 से ज्यादा बार MMC को रिवॉल्व करेंगे। हेलो यस सर। कौन कौन करेगा? मैं कंपोनेंट मेरे साथ करेंगे, उसका आउटपुट रात में देखेंगे कि क्या मैंने कंपोनेंट पढ़ा है, क्या ये टेस्ट करें। यार कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट होता है, आई विल लेट मी शो यू। एक इन्होंने एक आपको दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट के अंदर कोई एरर आता है जिसमें लो टेम्परेचर का एरर आया, तो हम आपको थर्मिस्टर की लोकेशन बता रहे हैं। आप उस थर्मिस्टर को निकाल के सिर्फ निकाल कर चेक कर लो, क्योंकि हम तो ये तो ना बता रहे हैं कि उसका सर्किट कैसे काम करता है। हम तो ना बता रहे हैं कि उसकी लाइन कहाँ से जा रही है, कहाँ कनेक्टेड है। ये आधा तो पहला तो आधा अधूरा सोल्यूशन, उसके ऊपर से भी कुछ मोबाइलों का है, कुछ मोबाइलों का नहीं है। चलो हम कल सीखेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बोलो 5 मिनट के अंदर किसी भी मोबाइल में कोई भी थर्मिस्टर ढूंढना टेस्ट करना ये 5 मिनट में सीखेंगे। हेलो सिर्फ मल्टीमीटर की स्किल से। किसकी स्किल से? कौन कौन सीखेगा बताओ? और हमें इसकी जरूरत नहीं। एक और बात, इंडिया में बोर्नियो से पढ़ाते हैं। मैं आपको बोर्नियो से आपको पढ़ाऊंगा और ये साबित करूंगा कि बोर्नियो कितनी जगह फेल है। हेलो यस सर। मैं आपको बोर्नियो को गलत साबित करूंगा कई जगह पे कि बोर्नियो बहुत आधा अधूरा सोल्यूशन के साथ है। यस सर। वो किसी इंजीनियर या ऑथेंटिकेट लोगों के द्वारा बनाया हुआ सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ हमारे तुम्हारे जैसे कोई टेक्नीशियन बैठकर 4 लाइनों को डाले हैं। अगर हमें बोर्नियो से पढ़े, बोर्नियो से अगर हमने पढ़ा तो हम कभी जीवन में सिर्फ एक टेक्नीशियन बन के रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम बोर्नियो से ज्यादा ऊपर पढ़ेंगे, हम ऐसे बोर्ड का नॉलेज सर्किट उठाएंगे जिसका बोर्नियो में भी डायग्राम और स्कीमेटिक ना हो। हेलो यस सर। और हम जाएंगे, हम पूरा CPU तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे बताइए? CPU तक पढ़ेंगे, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। सो दूसरे दिन की क्लास जब हम आएंगे सुबह 8 बजे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन डुअल डे करके CPU यूनिवर्सल से रिवॉल्व करके बैठेगा। 10 बजे तक रिवॉल्व करके खाना खा के मेरी क्लास में साढ़े 10 बजे तक सर। और ये परफेक्शन के साथ, ऐसा नहीं कि किसी का आधा हुआ किसी का नहीं हुआ, हम क्लास में लेते रहिए। और इसके बाद फिर हम अपना लेआउट पूरा डन करेंगे, उस दिन और कंपोनेंट पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। फिर तीसरे दिन लाइट पावर AC कौन कौन करने वाला है? सर आधे से ज्यादा के बाद माइक्रोस्कोप नहीं है, आधों से ज्यादा के बाद में ICU का नॉलेज नहीं है, और आधे एक आध दो लगा भी रहा है पर वो लगा ही नहीं रहा है, उसको पता नहीं है सही तरीके से कैसे लगाए। और वो भी जानता है कि एक बढ़िया मोबाइल को मैं डेड कर सकता हूँ। हेलो यस सर। इसलिए सर चलो चौथे दिन लाइव प्रीव्यू कौन कौन डन करेगा यहाँ?
लिसन देयर वॉइस, ये चिल्ला नहीं रहे हैं, ये चिल्ला देखो चिल्लाते पागल है, ये चिल्ला नहीं रहे भाई, ये जोश है इनका जो तुम्हारे में जिंदगी में कभी नहीं आएगा, राइट? यस सर। तुम्हारा टीचर खुद थका हुआ है, वो तुम्हारा टीचर तो बैठ कर ही पढ़ा रहा है, उसको तो कुर्सी ही पहले, उसको तो एक बड़ी लग्जरी कुर्सी चाहिए उसको तो सबसे पहले। यस सर। आप ऐसे इंस्टीट्यूट में गिरे हुए हैं जहां से पहले तो 6 मैडम चल कर आएंगे, ये इंस्टीट्यूट नहीं होते वो, क्योंकि मैडमों को टेक्निकली चीजें पता ही नहीं होती है कि हमें पढ़ाना क्या होता है, तो फिर वो बता क्या रही है, राइट? यस सर। टीचर ही नहीं बात कर रहा, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, अच्छा यहां से जाने के बाद 3 महीने के बाद कितनी बार इंस्टीट्यूट आ सकते हैं आप? हर महीने? यस सर। कितनी बार आ सकते हैं? हर महीने। 2 दिन के लिए? हेलो यस सर। आपको 2 कोर्स भी अपनी तरफ से फ्री दे रहा हूं? यस सर। ये आपको मेरा नंबर भी आपके पास होगा, एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, एमडी सर को मैसेज कर सकते हैं, हम बताएंगे किस तरीके से क्या है, आपके पास नंबर होंगे मेरे पर्सनल। हेलो यस सर। आप किन टीचरों के साथ बैठे हैं? हेलो, क्या आपको क्या आपको लग रहा है आपके पास नंबर है आपके टीचर के? नहीं है, मुझे पता है आपके पास आपके टीचर के नंबर ही नहीं है। आपको एक ग्रुप में बिठा दिया गया है, उस ग्रुप में बोला गया है कि 150-200 बड़े टेक्नीशियन बैठे हैं, उनसे जब टेक्नीशियन से ही पढ़ना था तो हम तुम्हारे पास क्यों आए? हेलो यस सर। फिर क्या होगा? फिर ये होगा, उसके बाद गाड़ी घूमेगी दोस्त 1 साल बाद की, सर अब हमें आपसे पढ़ना है, हम यहां फंस रहे हैं, वहां फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पढ़ाया ही गलत तरीके से गया है, 1-2 साल के टीचर के बाद क्या ही एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का, सिर्फ सिंपल सीधा सीधा सा दे देना, उनको तो यही नहीं पता कि जाने के बाद क्या से काम करवाना है। द थिंग इज, पढ़ाना एक बहुत अलग बात है, काम करवाना है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। yes, नहीं समझते हैं भाई, बहुत गलतियां करके बैठे हैं तब जाके टीचर बने हैं, और ये गलतियां नहीं है, मैं आज भी बोलता हूं, मैं इसलिए गलतियों को यूज कर रहा हूं क्योंकि आप बोलेंगे। पावर के अंदर लाइट लगी है, आई हो या एल हो, और हमारा PMI है, और सपोज हमारे पास VoIC नहीं है, फिर भी हमें लाइट जलानी है, और हमें कस्टमर को सेट पैक करके देना है, तो भी हम लाइट मॉडिफिकेशन करेंगे, हम ग्राफिक्स मॉडिफाई करेंगे। हेलो यस सर। ऑडियो मॉडिफाई करेंगे, किसको? yes, अगर बड़ी ऑडियो है वो IC नहीं है तो क्या हम उसकी जगह दूसरे IC लगा सकते हैं क्या? हेलो yes, वो प्रैक्टिकली लगाकर साउंड बजाकर, और ये सब कुछ आपने शाम को खुद प्रैक्टिकली DSO के साथ वोल्टेज के साथ में चेक करना है। अच्छा, सिर्फ लाइट के टाइम पे ऑडियो मॉडिफाई कर दिया, हो गया क्या क्लास? नहीं, उसके बाद हम CPU करेंगे। क्या करेंगे? CPU करेंगे सर, क्योंकि इस महीने हमें करना है CPU कॉम्पिटिशन। हेलो यस सर। कौन कौन करना चाहता है CPU? मैं। आपको विनर को दिया जाएगा मेरी तरफ से एक माइक्रोस्कोप। हेलो यस सर। किसको चाहिए माइक्रोस्कोप? तो भाई माइक्रोस्कोप के लिए बस जोरदार तारी तो होना चाहिए भाई, हम वो नहीं है जो हम आपसे आते साथ टूल खरीदवा रहे हैं, ये खरीदवा रहे हैं, हम तो आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं। यस सर। यस सर। मैं चाहता तो आपने आधे कोर्स आपको आधे दाम में दे सकता था और आप खड़े होकर लेते। यस सर। यस सर। क्योंकि नॉलेज सबको चाहिए है ना। यस सर। अब वी आर बाउंडिंग फॉर ओनली द ट्रेनिंग पार्ट, बट वी आर नॉट बाउंडिंग फॉर फ्रॉम आफ्टर द ट्रेनिंग पार्ट, पर क्या हमारा लॉजिक बनता है आपसे, बट वी आर गिविंग यू द ऑल थिंग फ्रॉम माय साइड फ्री, सो दैट मीन I'm thinking about you, so you also must thinking about me. Hello. Yes, sir. Protocol बस याद, don't break discipline, don't be 8 बजे तो 1 घंटा पहले आओ। Yes, sir. किसी और के लिए इंतजार मत करो, अपना नहाओ धो अपना आओ, ठीक है? And that discipline is only the thing जो हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमारा नेटवर्क सेक्शन डेट सेक्शन क्या बताएंगे आपको, वीडियो में क्या बोल दे अपने मुंह से कि कैसा बताऊंगा, यहाँ आओ तो बताऊं। मैं नेटवर्क सेक्शन में इनको बैंड पास करना सिखाऊंगा, फिल्टर को बैंड पास को बाईपास करना बताऊंगा, बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसके बाद हमको मे भी ज्वाइन करेंगे दुर्गेश सर, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। दुर्गेश सर इज द टीचर फॉर सॉफ्टवेयर, वो आएंगे सॉफ्टवेयर के लिए, और उसके बाद ज्वाइन करेंगे मिलन सर, मिलन सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। मिलन सर आपको ज्वाइन करेंगे हमारे MMC प्रोग्रामिंग UFS के लिए एंड द CPU चेंज क्लास, जिसके अंदर ब्लैक पेस्टेड चलेगा, ब्लैक पेस्टेड पूरा 6-7 दिन, एंड लास्ट डे हम ड्यूअल डेकर करेंगे, बट ड्यूअल डेकर हम पहले से करने ही है, CPU कॉम्पिटिशन से भी पहले करेंगे, रैम क्लीन रैम रिबोल करना सीखेंगे, सिर्फ रैम की क्लास होगी, समझना। यस सर। पॉइंट ये कि अगर कोई 4 स्टेप में सबसे कठिन स्टेप क्या, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप सर? 4। तो 4 स्टेप को पहले चालू करो, क्योंकि CPU रिबोल करके तो आप दूसरे दिन में ही अपना रिबोलिंग सीख जाएंगे। यस सर। यस सर।
अब आपको उसके बाद उसका रैम रिवोल करना है, जो उसके गड्ढे होते हैं फिलिंग अंडो वाला आकार, उसको फिलिंग नहीं कर पाते, वो बॉल नहीं बना पाते हैं, और उसी बार में अपने आधे बॉल उखाड़ देते हैं, रैम को ब्रेक कर देते हैं, या जबरदस्ती का आयरन से या एसएमडी से रैम को हीट कर देते हैं। 98% माइक्रोन का रैम रहता है, माइक्रोन का रैम तो वैसे ही लो टेम्परेचर का रैम है। अब जैसे ही रैम लगाया तो वो सेट 175-225 तक जाकर हाई बूट लेकर वापस आ जाता है, अब रैम ही खत्म। तो कहने का मतलब है हमें यूनिक वे से रैम को क्लीन करना और उसको फ्लिप करना आना चाहिए। कौन कौन सीखेगा? इतना जबरदस्त क्यों एमडी सर? जी सर। क्या तरीका अपने पास? वो तरीका है अपने पास, आप कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी सिलेंडर हो, आप उसको पूरा क्लीन करोगे, आप पूरा क्लीन मतलब आपका पूरा ब्लैक पार्ट दिखेगा अंदर से पूरा, किसी भी तरीके का ग्लू नहीं होगा, और वन टाइम में आप फिक्स करोगे, और सीपीयू लगाने से पहले आपको यह मालूम होगा कि मेरा सीपीयू वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वो टेक्निक देंगे, सीपीयू को टेस्ट करना सीखेंगे। हेलो यस सर। हां ठीक है, और इसके बाद आप 20 तारीख का हमारा फेयरवेल है, मे बी हो सकता है उस दिन हमें जेडएक्स मलिक सर भी ज्वाइन करें, और 21 तारीख को आप अपनी रिटर्न टिकट करा सकते हैं, लाइव कह रहा हूं मैं आपके लिए। यस सर। 21 तारीख का आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए, और ये लाइव आप अपने सारे घर वालों के साथ भेजना, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके घर वालों के, और एक बार अपने घर वालों से बात करते हैं आपके साथ, करें बात क्या? यस सर। मेरे साथ बोलिएगा कि थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे पर भरोसा किया, बोलो आपने मेरे पर भरोसा किया, और इस भरोसे से चलते हैं, बोलो इस भरोसे से चलते हैं, मैं इस कोर्स को सीख के आऊंगा ऊपर रोशन करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, बोलो ये मेरा खुद से वादा है, ये मेरा अपने टीचर से वादा है। तो भाई दिवाली तैयार है, फटाके फोड़िए, हम तो फटाके पढ़ाई में फोड़ेंगे, हम तो बिजी हैं, और होपली आपसे बातें हो, और जितनी भी है आप देखिए लाइव, इनको डेली लाइव रात में इनको आउटपुट, आप ईच एंड एवरी वन की शक्ल देख लीजिए, डे वन जो आपको अगर किसी का आउटपुट बताया तो लास्ट डेट तक देखिए, ऐसा नहीं कि बीच में ही सारे आउटपुट खत्म गायब, कि बीच में क्या क्लासेस चल रही है क्या नहीं, नहीं नहीं, हमारा सिस्टम ही अलग है, हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है, और रीज़न ये है कि इसको ही मैं एक्सपीरियंस बोलते हैं, और इतने साल आए हैं तो कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई, है ना, GCIT को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो किया होगा, 2 बुकें लिख दी है तो कुछ ना कुछ तो किया होगा, है आईफोन एंड्रॉयड तो सब पर कोर्स बना के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो किया होगा, बड़े टीचर हेल्ड करके रखे हैं, और नाम इंडिया का नंबर वन हेल्ड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो किया होगा, लोग भी डालते हैं, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड इंडिया का सबसे नंबर वन स्कीमेटिक ओनली बोल्ड यू डोंट वेस्ट योर मनी एल्स, किसी पे भी पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर मनी, एंड फॉर फ्री बिल्कुल मत करो, जो चीज़ फ्री है, जिस चीज़ का दाम फ्री है वो बिल्कुल लोचा, वो बिल्कुल जीरो है, उसकी वैल्यू नहीं है, ध्यान देना, जो चीज़ फ्री मिली, सड़क में पड़ा हुआ पैसा भी जब मिलता है तो वो भी खर्च करने का मन नहीं करता है, क्योंकि लगता है कि कब वो सारा उतना चला जाएगा, yes, sir. सड़क में पड़ा हुआ बटुआ भी खर्च करने को मन नहीं करता है, तो पहली बात तो फ्री की चीज़ की वैल्यू ही नहीं होती है, ध्यान देना, तो ज़िंदगी में फ्री लेना बंद करो, YouTube बंद करो, प्रोफेशनल है भाई, धंधा पानी है ना, YouTube तुम्हारे बच्चे को KG1 से 12 ले जाने वाला है, ना तुमको तुम्हारी दुकान चलाने वाला है, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं सीखोगे कुछ नहीं कर पाओगे, एंड बिलीव मी, एक बस मौका, और हमें 6 महीने तक देखो, हमें अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वॉच Until 6 months, 6 महीने तक देखो, उसके बाद आओ, यही हमारा बैकअप है, यही हमारी डेमो क्लासेस आपके, थैंक यू वेरी मच।